ये डोसा बनाने का उपक्रम है और ये जो है तो 24 घंटे में डोसे बना रहा हूँ। इसके पहले मैंने खिचड़ी बनाई थी, बैंगन का भरता बनाया था, मिसल बनाई थी, पर वो क्या था बड़े बड़े कंटेनर्स में सर ये बनाया था और बनाने के बाद इसका आस्वाद जो है लोग लेते थे, पर मैंने कहा कि भैया मेरे हाथ से एक एक निवाला बने ऐसी कौन सी चीज है। तो मैंने कहा डोसा सभी को पसंद है और हर हिंदुस्तानी का पहला नाश्ता जो होता है तो डोसा बनता है। मैं डोसा प्रेमी हूं तो मैंने डोसा बनाने का तय। कितने समय में कितने डोसा बनाने? ये तकरीबन 750-800 डोसे एक घंटे में बनेंगे और इस प्रकार से 24 घंटे का जो हमारा माहौल है तो एवरेज हमने निकाला तो 10,000 डोसे बन सकते हैं। ये रिकॉर्ड के लिए हो रहा है? ये रिकॉर्ड के लिए नहीं हो रहा है, रिकॉर्ड बन रहा है अपने आप, क्योंकि क्या हर चीज कोई मोटो सामने रख के यदि करे तो उसमें मजा नहीं आती। हमें अच्छा लगता है इसलिए मैं करता हूँ। मेरे पापा कहते थे हमेशा भैया जितना अन्नदान कर सके आप करो और जो मेरे हाथ में मैं कर सकता हूँ, पैसा तो बांट नहीं सकता क्योंकि पैसा है ही नहीं मेरे पास, तो ये दान सबसे अन्नदान महादान है ऐसे मेरे पापा कहते थे और मैं कर रहा हूँ। विष्णु जी अब तक कितने डोसे बने हैं और कितने बनाने का लक्ष्य है? अभी देखो पहले अवर्स में 3 घंटे जो है तो उसमें 2,000 डोसे बने हैं और पहले तीन घंटे में 800 तकरीबन डोसे बने हैं एक घंटे में 800 डोसे। विष्णु जी कई रिकॉर्ड आपने बनाए जी, ये कितना विशेष रिकॉर्ड होगा? ये देखिए 25 रिकॉर्ड के बाद ये 26वां रिकॉर्ड होगा और ये रिकॉर्ड इसलिए महत्वपूर्ण है कि दिवाली इसके जरिए हम मना रहे हैं दिवाली, तो इसके कारण ये इसका मजा अलग है। लास्ट दिवाली हमने जो मनाई थी तो वो चूड़े की दिवाली थी, हमने चूड़ा बनाया था 6,000 किलो और वो लोगों को बांटा था। उसके बाद में फरवरी में हमने प्रभु श्री रामचंद्र के लिए हलवा बनाया था और वो भी अपने आप में अलग ये था, इसका मजा अलग है। इसमें क्या क्या कितना सामान आ रहा है? इसमें देखिए तरीका में आएगा, इसमें देखिए तकरीबन 300 किलो आटे का घोल जो है वो लगेगा, जिसमें दाल है, चावल है, चने की दाल है, उड़द की दाल है, उसके बाद में मेथी दाना है, ये डोसा उठाया से चने की दाल है, उड़द की दाल है और चटनी जो है तकरीबन 1,000 किलो चटनी यहाँ बनेगी और चटनी में खोबरा और फुटाने की दाल इसका इस्तेमाल किया गया है। और ये डोसा जो है इसकी खासियत ऐसे कि घी और तेल दोनों में बना है।